हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, फिर से आपका एक बार स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर ज्योति की मोटी ब्लॉग्स में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे सेंटेंस बताऊंगी जो सिर्फ और सिर्फ बेबी गर्ल के टाइम पे आपको जो है फील होने वाले हैं, ठीक है। अगर ना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि भैया हमें तो फील हो ही नहीं थे। सो फ्रेंड्स, नंबर वन क्या है कि जो आपकी हेयर ग्रोथ है ना, हेयर ग्रोथ आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। बाल आपके जो है वो थिक हो जाएंगे और मतलब कि ज़्यादा घने हो जाएंगे, वॉल्यूम बढ़ जाएगा आपके बालों का, है ना, बिल्कुल मजबूत और घने हो जाते हैं आपके बाल बेबी गर्ल के केस में, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा स्किन होती है बेबी गर्ल के टाइम पे, स्किन डल पड़ जाती है। और देखो, वैसे सबसे बेस्ट जो मतलब उपाय है ना, अगर आपकी स्किन पे मतलब पिगमेंटेशन और ये झाइयों का, सबसे अच्छा उपाय है एलोवेरा प्लस उसमें विटामिन ई मिला लो। क्योंकि जितनी भी प्रॉब्लम रहती है ना फेस की, स्किन की, तो एलोवेरा उसके लिए तो आपको पता ही, वर्ल्ड नंबर वन रेमेडीज़ है एलोवेरा जेल। तो एलोवेरा लगाओ और साथ में विटामिन ई रात को सोते समय लगा लो। सच में जितनी से बड़ी समस्या है उसका समाधान, चाहे टाइम लगेगा बट हो जाएगा, ठीक है। अखरोट जो है वो बहुत अच्छा रहता है स्किन के लिए, तो आप अखरोट को ले सकते हैं अपनी प्रेगनेंसी में। अपना दो मैं तो स्टार्टिंग में क्या था, कुछ खा नहीं पाती थी, तो लेकिन मैं तीन चार अखरोट भी खा लेती थी और मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती थी, मैं खा लेती थी, ठीक है। तो अखरोट भी अपनी डाइट में रखना, उससे भी स्किन जो है वो अच्छी खासी बन, मतलब स्किन पे जो ग्लो आता है अखरोट से भी बहुत अच्छा ग्लो आता है। वैसे तो पानी पीने से, है ना, फ्रूट से सबसे आता है, बट मैं कुछ वो बता रही हूँ जो सच में बहुत अच्छा और बहुत जल्दी असर करता है फेस पे, ठीक है। तो विटामिन ई हो गया, एलोवेरा हो गया, अखरोट है। तीसरा ये है कि बेबी गर्ल के टाइम पर जो रहता है, आपको नींद जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं आती है, ठीक है। नींद बहुत ज़्यादा नहीं आती है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपके, लोग कहते हैं कि प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा नींद आती है, बिल्कुल ऐसा लगता सो जाए, ऐसा बिल्कुल से कभी कहीं से कहीं तक कुछ नहीं होता है। नींद का रूटीन बिल्कुल नॉर्मल रहता है, बिल्कुल भी कुछ स्पेशल चेंज नहीं आता है, ठीक है। अब इसके अलावा बेबी मेरा दोनों के टाइम पर, मतलब मुझे जो बीपी रहता था, मेरा बीपी डाउन रहता था, तो इसका रीज़न मेरे से ये भी हो सकता है कि मेरा खाना पीना जो है वो बहुत लिमिटेड था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी मुझे, इस वजह से मेरे को डाउन रह सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ मेरे अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। देखो, 100% आप लोगों के साथ ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है, बट मोस्ट ऑफ केसेस में ऐसा जो ये सब सिम्टम है वो मैच करते हैं। फ्रेंड्स, देखो, बेटी हो बेटा हो, ठीक है, दोनों के दोनों अपने ही हैं, दोनों के साथ वही इन्जॉयमेंट होना है जो सेम, सब कुछ सेम होना है, कुछ भी चेंज नहीं होना है। अब जो समय है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। बेटा बेटी खाली कहने के लिए एक नहीं है, सच में एक है अब आज की डेट में। मैं बिल्कुल नॉर्मल वे में वीडियोस बना रही हूँ, बिल्कुल जैसे कि आपको घर वाला फील देने के लिए। मेरे आगे पीछे बच्चे भी घूम रहे हैं, मेरे को दिखाई दे रहा है ये बढ़िया सा फूल लगा हुआ, डर लगा हुआ है कि मेरी छोटी बेटी यहीं खेल रही, कब गिरा दे इसे भी। तो मैंने इसे वीडियो थोड़ा अच्छा लगने के लिए उसको लगा दिया है, लेकिन मुझे पता है कि कभी भी गिर सकता है। तो दोस्तों, इससे पहले ये गिरे तो मैं वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।